ठीक है, लास्ट टाइम ने देखा था कि ऐसे क्वेश्चन बेसिक से बना सकते हैं। अभी देखो इन चीज़ों को हम लोग को थोड़ा सा काम करने के लिए बेसिक से एंड बाकी चीज़ हम लोग यहाँ पे मैनेज करें कि अगर मुझे कोई भी काम करना है तो कैसे कर सकता हूँ। तो कुछ चीज़ का मैं ध्यान देना है कि अगर मुझे इस मॉडल का स्मूथ लगाना है कि नहीं लगाना, सबसे पहला काम। ठीक है, 4, 5 and 6 यहाँ पे देखो, अगर मैं सब कुछ वैसे देखे चाहूँगी भाई इसमें मुझे स्मूथ नहीं लगाना तो सेगमेंट्स मुझे ऐसा कुछ देना पड़ेगा जिससे मेरे काम हो सके। ठीक है, लेकिन अगर मैंने शेप दिया, जैसे शेप आपको मैं बता दे भाई ये शेप मैं अगर ऐसा कुछ बना देता हूँ, बनाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इन चीज़ों को जैसे मिल जाए तो राउंडनेस का पूरा पार्ट दे रखा, तो राउंडनेस पूरा मैनेज कर दे। ठीक है, इसके सिवा एजेस है मेरे पास यहाँ पे, इन एजेस के साथ हम लोग थोड़ा सा लाइक बेवल कर दें। ठीक है, चीज़ों को अगर ऐसे देखोगे तो भी मेरे पास यहाँ पे काम थोड़ा आसान हो जाएगा अगर मैं ऐसे भी काम कर दूँ। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चाहो तो जैसे आप यहाँ पे एक बेसिक शेप मैंने आपसे बनाया, अगर आप प्रॉपर राउंड चाहिए तो जैसे मैं नीचे वाला प्रोसेस बताया ना ये वाला राउंड, आप ऐसे भी काम कर सकते हो तो वो भी आपका काम ऐसा हो जाएगा। देन बेवल कर दो, आप यहाँ पे बेवलनेस सेगमेंट्स आप रख सकते हो आप यहाँ पे राउंडनेस के साथ कि भाई मुझे अगर थोड़ा सा ऐसा कुछ दिखाना पड़े तो मैं ऐसे कुछ दिखा के काम कर सकता हूँ जो थोड़ा सा चीज़ बेटर दिखे यहाँ पे, राउंडनेस दिखे। ठीक है, ये हमारा उसका होगा जब हम लोग नेक्स्ट लेवल जब हम लोग देंगे स्मूथ के लिए, कि जैसे मैंने दिखाया कि भाई ऐसा कुछ काम बना इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, वही कैसा बेसिक सा प्रोसेस भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं यहाँ पे कुछ पार्ट, जैसे ऊपर वाले पार्ट को हमने बेसिक्स बताया, इसके बाद मुझे लगता है कि अभी इसमें थोड़ा सा एक और नेक्स्ट लेवल दे देना चाहिए। नेक्स्ट लेवल में आपके यहाँ पे क्या आएगा, जैसे सपोज मुझे यहाँ पे जो मेस दिख रहा है यहाँ से फेसेस मुझे एक्सक्लूड करना है, देखो ये दिख रहा है ये पार्ट, यहाँ से मुझे फेसेज एक्सक्लूड करना है। तो फेसेज एक्सक्लूड करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, इंसर्ट एज लुक टूल, ठीक है, देखना ये पार्ट मैंने यहाँ पर दिया, ओके, और एक एजेस मैंने यहाँ पर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं चीज़ों को मैनेज कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे मुझे फेसेस अगर मैंने यहाँ पे एक को पकड़ा, नॉर्मल समझना क्या, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉडल है, तो इस कॉम्प्लेक्स मॉडल को तो सब समझोगे तो आपके पास थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पर ये दूसरा ये पार्ट और आपको ये पार्ट ऐसा होगा, तो मैं ऐसे को ऐसा मैनेज कर दूंगा। देखो अभी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड समझना यहाँ पर। ठीक है, ये एक्सट्रूड यहाँ पे क्या, अभी इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना, सबसे पहले काम कैसे मैं स्केल कर दूँ पहला काम, दूसरा काम यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज कर दूँ तो कैसे मैनेज कर सकते हैं क्या। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखी जहाँ पे मुझे थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे चीज़ों को समझोगे तो थोड़ा आइडिया मिलेगा। यहाँ पे देखो चीज़ें मैं यहाँ से जो लाइनें जा रही हूँ सीधे यहाँ तक जा रही है, तो अगर मैं इसको यहाँ से मैं दूँ पहला काम, ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ से देने से पहले इंसर्ट एज लूप टूल मैंने यहाँ पे किया ताकि मैं सेगमेंट यहाँ पे स्ट्रेट में दे सकूँ यहाँ पे। ठीक है, ए डब्ल्यू प्रेस कर दिया, इसके बाद मैं इस वर्टेक्स को पढ़ता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मॉडल है तो उसको समझना, इसलिए मैंने लास्ट टाइम मैंने नहीं बताया था कि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ये जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स आपका ऐसे जाने वाला है। ठीक है, किस टाइप से अगर चीज़ों को आप देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। दूसरी चीज़ें जैसे अगर मुझे यहाँ पे ये मैनेज करना पड़ेगा, लाइन देखना आपको यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये एंगल में बस इसके साथ में इसको मैच करूँ यहाँ पे, क्योंकि मैच करने का प्रोसेस या तो इसको मैच करूँ या ऊपर वाला मैच करूँ, ये ध्यान देने के। देखो ये दिखे नहीं दिखेगा तो बेटर दिखे आप, ठीक है, इसी लाइन में ले लेंगे। टेक्निकली हम लोग चीज़ों को ऐसे डील कर सकते हैं, मैंने अगर यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज किया तो मैं बस ऐसे भी काम कर सकता हूँ। अभी इसी को मैं एज इट इज़ यहाँ से इसको मैंने ऐसे लिया, ठीक है, तो ऐसे करके थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे वही टिल्टेड नहीं आना चाहिए, ऐसे करके मैं बैलेंस कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके मैनेज करेंगे तो जो स्केच है वो थोड़ा सा प्रोस्ट्रक्टिव है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाहिए देखें यहाँ पे, अभी ये जो चीज़ें मुझे करना है इसको काम करने के साथ मुझे यहाँ पे एक और भी काम करना है, इंसर्ट एज लुक टूल, यहाँ देखो यहाँ पे स्पेकुलर आ रहा है, अगर स्पेकुलर आ रहा है तो उसको मैं मैनेज करूँगा। देखो एक काम नहीं किया एजेस से पहले एक और भी काम कर लें यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना, देखो पीछे भी यही पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मुझे यहाँ से यहाँ तक मुझे देना पड़ रहा है, तो मैं देखो यहाँ पे दिखा यहाँ पे ये, ठीक है, ठीक, इसको अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक सेट कर दिया तो उससे काम हो जाएगा यहाँ पे। जब हम लोग इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो देखो हमारे से ये चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक तो पहले से करते हैं पैनल लेआउट टू साइड बाई साइड किया मैंने यहाँ पे परस्पेक्टिव में गया 4, 5, ठीक है, यहाँ पे देखना अभी अभी यहाँ से मैंने क्या राइट साइड पर गया, एक को कैमरे में रखना एक कैसे रखना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ये मैंने अगर आगे आगे किया तो सी भी चीज़ मेरे पास यहाँ पे मैनेज होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अभी आप तो आप आस पास स्केल भी कर सकते हो, ठीक है, ये पार्ट में स्केल क्या नहीं हो रहा यहाँ पे, मैं तो थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे कि भाई ये जो पार्ट दिख रहा है ये ऐसे करके ये चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करूँ फोर प्रेस करके, तो अभी इसको मैंने अगर ऐसे मैनेज कर दिया तो मैं बस ये जो पार्ट मुझे थोड़ा सा जो मैनेज करना पड़ेगा
वो मैं ऐसे भी डील करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा भाई, अगर मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं वही देखा है, इसको अगर मैं मैनेज कर, तो मैं बस ये प्लेसमेंट यहाँ पे देख रहा है, इसको देखो यहाँ पे ये बैलेंस वाला पार्ट, अब इसको भी हम लोग थोड़ा टच करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे रिसर्च को ऐसे कर दें, ठीक है, बैटर्स को एक बार टच करते हैं पहले, तो ये पार्ट मैंने यहाँ दिया, ये मैनेज हो गया यहाँ पे। अभी इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, या तो मैं इसको ओरल पार्ट को या तो मैं यहाँ तक रखूँ, फिर मैं इसे कर दूँ, या एक एजेस दे दूँ यहाँ पे, ठीक है, इंसर्ट एज लुक टूल, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ दिया, ये डन कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये जो मेरे पार्ट है ऊपर के जो फेसिस है वर्टेक्स अगर मैं चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो चीज़ों को बैलेंस कर दें यहाँ पर, ठीक है। ये पार्ट में अगर ऐसे करता हूँ तो बस ये चीज़ें अच्छे दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट को मैं यहाँ पे मैं बैलेंस कर, यहाँ पे देखा ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे तो यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकता यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया, देखो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट है। अभी इनको पहले बेसिक सेट करें, बेसिक सेट में तो कोई काम मेरे पास यहाँ पर हो सकता है, इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लेकर चला तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। देखो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे चीज़ें मेरे पास कैसे आने वाली है, अगर मैं यहाँ पे देखो पीछे वाला वर्टेक्स है, इसको मैं यहाँ पे ना करके इसको मैं अलग से डील करूँ, सेगमेंट्स इसको थोड़ा सा बैलेंस कर दें यहाँ पे, ठीक है। एक पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ ये पार्ट में, फिर यहाँ पे तो इसको मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूँ, ये बस इधर वाला पार्ट दिखेगा। जब मैं वाईफाई एंड डंडे देखाऊँ तो यही पार्ट दिखने वाला, बाकी पार्ट नहीं दिखने वाला। फिर अगर लगता है कि अगर मैं ऐसे मैनेज कर रहा हूँ तो अगर ऐसे मेरे पास काम हो जाए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा शेप मेरे पास खराब हो रहा था, इसके लिए बेटर ऑप्शन और बताता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे किया ना, अगर मैं इसको जैसे यहाँ पे मैंने सेट किया, ठीक है, ठीक है, अगर इसको मैं सेट कर देता हूँ तो इसको सेट करने के लिए या तो मैं यहाँ पे एक सेगमेंट दे दूँ यहाँ पे, इसको नीचे ना करके, ठीक है, ये सेट कर दिया। अभी इसको मैं थोड़ा सा मैनेज करूँ यहाँ पे, ये मैनेज करें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये बार मैंने यहाँ से यहाँ तक दिया ताकि चीज़ थोड़ा सा बैलेंस हो सके। अभी मुझे लगता है इस सेगमेंट्स को देने के लिए मेरे पास ये दो पॉइंट भी मेरे पास यहाँ पे काम कर जाएंगे, ठीक है। नीड नहीं है कि पूरे जगह मैं सेगमेंट दे दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैनेज कर लेता हूँ। यहाँ पे गया, इसके बाद मैंने यहाँ पे चीज़ों को सेट किया, ठीक है, ठीक है, ये सेट जो कर रहा हूँ तो यहाँ पे थिकनेस जो देख रहा हूँ, थिकनेस सुधा वाला पार्ट है, ठीक है, वो काम हम लोग कर लें यहाँ पे, यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने की, मैं अगर किसी को अगर नीचे मैनेज करूँ तो नीचे मैनेज में कैसा पार्ट आ रहा है आपके यहाँ पे, तो ये पार्ट को मैं थोड़ा सा, ठीक है, मैं इनको अगर थोड़ा सा बैलेंस को, तो मुझे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे चीज़ देखेंगे। अभी को एक इंपॉर्टेंट चीज़ कही है, तो पहले इधर है, ठीक है, अभी ये इधर है तो देखो यहाँ पे सेफ थोड़ा सा आपको थोड़ा डिस्टर्बिंग मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आई सजेस्ट कि एक आपको सिंपल ऑप्शन बताता हूँ, चलो अभी यहाँ पे काफ़ी लोग मैनेज करने में दिक्कत आएगा, मैं वैसे अंडू करता हूँ, बट आई वॉन्ट, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि यहाँ से एक सिंपल सा ऑप्शन, जैसे हम लोग गेमिंग में कर लेते कि मैंने सेप लिया, इस सेप में कोई प्रॉपर नहीं मिला, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये तो मैनेज कर मैं सेप खराब हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट अगर मैं यहाँ पे करूँ तो सिंपल पॉलीक्यूब ले लिया। पॉलीक्यूब लेने के बाद इसको मैं बुलीन कर लूँ, तो मैं बुलीन वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जब हम लोग उसे मैनेज करें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे लिए ये तो ऐसा बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ देखो, तो ये बहुत बढ़िया दिखेगा यहाँ पे। मेक श्योर अगर मुझे ऐसा कुछ काम करना पड़ता है, ऐसे में मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, सेफ मैच किया कि नहीं किया, पहले देखो सेफ मैच हो रहा है, अभी सेफ को यहाँ से मैच कर सकते हैं, ये पार्ट मैं यहाँ से बुलिन कर दूँ तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, बाकी इधर उधर मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ बुलिन का एक बार फंडा बता देता हूँ, सिंपल पॉलीक्यूब लिया, ठीक है, एंड पॉली सिंपल सा पार्ट स्विफ्ट, एंड आप यहाँ पे स्पेयर ले सकते हैं, ठीक है। बुलिन का बेसिक फंडा आपको आई माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट देख रहे हैं आपके यहाँ पे, इसको मैंने और स्केल कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे चीज़ को मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं F2 प्रेस कर देता हूँ तो मेरे पास पॉलीगन आ जाए यहाँ पे, ठीक है। बुलिन पे गए, बुलिन में जाकर मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस किया, तो डिफरेंसेस में क्या हुआ देखो, ध्यान से देखो, इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करके तो मैंने डिफरेंसेस किया, तो ये वाला स्पेयर चला गया। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो मैं इसको सेलेक्ट करूँ, इसको सेलेक्ट करूँ तो मैं यहाँ पे डिफरेंसेस को, तो मैं डिफरेंसेस यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो जो चीज़ मेरे पास यहाँ पर आ गया वो मुझे वहाँ पर मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हम लोगों ने इससे काम कर लिया, ऐसा हम लोग काम कर सकते हैं। मेक श्योर ये
कवर्ड था तो हो गया, अगर हॉलो होगा तो नहीं होगा। हॉलो समझो जैसे इस वाले में, ऐसे शिप में अगर करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखो तो काम हो जाएगा। पर अभी यहाँ पर हमने क्या करा, मल्टी कट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मल्टी कट करके अभी देखो मैं इसको यहाँ पर कनेक्टिविटी दे दूँगा। मैंने कहा ओके डू वन थिंग, यहाँ से मैंने इसको यहाँ पर ये कनेक्टिविटी दिया। अगर मैं काम कर रहा हूँ किसका, गेमिंग का, प्रोडक्शन का काम कर रहा हूँ, तो मैं बस थोड़ा सा मैनेज करके करेंगे, ठीक है। जैसे मैं देखो यहाँ पर वी एंड स्नैप, यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर स्नैप करूँगा तो मेरे पास काम हो जाएगा, ठीक है। बाई चांस लगता है मैं स्नैप करने पर बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ, मैंने मल्टी कट किया यहाँ पे और देन ये एंटर, ठीक है। इसे इसको डिलीट करो तो भी काम हो जाएगा यहाँ पर। ये समझना पड़ेगा आप यहाँ पे कि भाई अगर मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मल्टी कट चाहिए, ठीक है। जिस पे गए इधर मैंने डाल दिया, मुझे अपोजिट में डालना था, मल्टी कट पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ से और ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया एंटर, ठीक है। ये शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ऐसा हो जाएगा। अभी जैसे यही काम मैंने यहाँ पे किया, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखाऊँ, यहाँ देखो सीधे सीधे होगा तो सीधे सीधे ज़्यादा बैठे, देखो ये देखना आपके यहाँ पे। अभी मैं इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ, अभी ये मैंने जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया तो मैं उससे कनेक्टिविटी में भी काम आएगा, ठीक है। ये देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, तो वो जो हम लोग एडजस्ट करते हो एडजस्ट में दिक्कत हो रही थी, अभी यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ समझ में आएगा, ऑलडस्ट मैक्सिमाइज करते हैं यहाँ पे, मल्टी को कट कर देते हैं यहाँ पे, तो मॉडलिंग के ना समझोगे तो आपको आई टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया, अभी इसके हाथ में यहाँ देखो एक मुझे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे काम किया, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे काम करता हूँ तो इन चीज़ों को अगर यहाँ से मैं अपोजिट में दूँ तो मिले ज़्यादा बेटर, देखो देखो यहाँ पे ये अगर यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर है। अगर मैं यहाँ से देता हूँ तो ये थोड़ा डिस्टेंस समझोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। दिस इज़ गुड, ये पार्ट आ रहे हैं, मैं बस ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। एक पार्ट हमने यहाँ पर सेट किया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, जो भी कोई काम करो उसको थोड़ा सा समझोगे। अब जैसे मैं बस इसके अंदर मुझे डिटेल बना, तो मैं डिटेल भी बना सकता हूँ। जैसे मुझे इस मॉडल के अंदर मुझे डिटेल देना है तो मैं डिटेल भी दूंगा कि भाई मुझे अगर इसमें कोई भी काम करना है तो कैसे कर सकता हूँ। सेम चीज़ इसको भी मैं वैसे ही डील करके दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, लेकिन यहाँ पर अगर मैं दिखाता हूँ, सिंपल सिंपल मैंने क्या किया, सिलेंडर लिया मैंने, ठीक है। फिर देखो ये जो डेप्थ और डिटेल है ये मुझे लगता है कि मैं उसमें दे दूंगा, क्या बोलते हैं, सब्सटेंस में। तो इतना मुझे आइडिया कि तो मैं डिटेल दे दूंगा, इतना डिटेल दे सकता हूँ, ये डिटेल दे सकता हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, बाई चांस कभी अगर ऐसा लगे कि भाई मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम करना पड़े, ठीक है, तो मैं ये भी एक टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग में थोड़ा सा ईजी रहे। 90 कर दिया मैंने यहाँ पर, चीज़ें बहुत हैं और बहुत बड़ी भी हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेके चलूँगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने आर फॉर स्केल, ये मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखना पे अभी इसी को अगर मैंने यहाँ पे कर दिया ये पार्ट, ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया अराउंड 30। कम में भी काम कर सकते हैं लेकिन मुझे राउंडनेस प्रॉपर चाहिए। मैं चीज़ों को मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ 4 and 5, जैसे मैंने आपको बताया ये पार्ट में बस यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे क्रॉस चेक करो, यहाँ पे जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पे चांसेस तो ऐसा होता है कि ये बुलिंग में बहुत बढ़िया काम करने वाला है, नहीं करने वाला, मेक श्योर, ठीक है। तो राइट में क्या 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल डी डुप्लीकेट भी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो दो पार्ट यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके साथ एक दो पार्ट ऐसा भी है, इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दूँ, ठीक है। इसके बाद इसको अगर मुझे इसी में बोल्ट इसी में से निकालना तो सभी निकाल सकता हूँ, तो वहाँ भी आपको दिखा देता हूँ। 4 and 5 दिस वन एंड दिस वन, बुलियन जब भी करो एक बार फाइल सेव एज कर लेना, क्योंकि सेव एज में क्या होता है कि बाई चांस अगर आपका ये काम सही नहीं होता तो आप इसे मैनेज कर सकते हो अपने आप, बैकअप रखना, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर दिया, ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डिफरेंसेस करता हूँ, डिफरेंसेस में मिल रहे हैं यहाँ पे, अभी डिफरेंसेस में मुझे यहाँ पे देखो ये कनेक्टिविटी मुझे लेके चलना है, कनेक्टिविटी में कैसे क्या करना है, तो मैं इसके साथ में कनेक्टिविटी दे सकता हूँ, भाई मुझे कनेक्टिविटी में क्या डील करना है, हो गया। इतने राउंडनेस से मेरा काम हो जाएगा। इसके बाद मुझे जो भी कोई काम करना है, मैं इनको जैसे मैंने बताया ना कि मुझे मल्टी कट में अगर मुझे लगता है कि भाई मैं मल्टी कट में जाकर मुझे काम करना है, तो मैं यहाँ पे ये पार्ट, ठीक है, यहाँ से मैंने ये कर दिया, ठीक है। इन चीज़ों को मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर मैनेज करता रहूँगा, अभी देखना यहाँ पर ये पार्ट आप ऐसे बनाओगे, इसकी कनेक्टिविटी यहीं पर रखना, बहुत ज़्यादा मत देना, क्या मेक श्योर, ठीक है। आप ऐसे करते हैं, अगर मैनेज कर देता हूँ तो आपका काम आसान हो जाता है क्या। देखो अभी यहाँ पे देखा कनेक्टिविटी यहाँ पे ले लिया, ये भी समझना पड़ेगा भाई मेरे पास अगर ऐसी चीज़ें हैं तो यहाँ पे ऐसे सेम चीज़
आप यहाँ पे करो, मॉडलिंग करना आपको थोड़ा सा लीन का भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, और इन सेगमेंट्स को मुझे कैसे डील करना है। डील करने के लिए यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे भी दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको मैनुअली थोड़ा सा डील करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया और ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये आप अब देखो सिंपल सा पार्ट है। मुझे मेरे आउटपुट के लिए काम करना है। अगर मैं इसे प्रोडक्शन के लिए लेके चलूँगा तो प्रोडक्शन के मुझे प्रॉपर फिर सेगमेंट्स देना पड़ेगा और उसमें फिर मैं स्मूथ के साथ काम करूँ। जैसे मैंने जो दूसरा गन बना रखा है, जो दूसरा गन देखो प्रोडक्शन पर्पज से बनाया है, ठीक है, उसमें दे रखा है को, हाँ हाँ, तो वो उसमें स्मूथ भी लगेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, सामने वाले को ऑप्शन दे देना है। जैसे एक गन मैंने बना रखा है पहले में चैनल पर है, वो 5-5.5 घंटे का जो दे रखा है पे, तो उसमें वो चीज़ें प्रॉपर डिफाइन है कि हमने उसमें स्मूथ भी अप्लाई किया है। इसमें हम लोग स्मूथ अप्लाई नहीं करने वाले हैं, मेक श्योर हमें यही पहले से प्लानिंग करना है कि भाई मुझे जो भी कोई काम करना है वो मैं कोई भी काम यहाँ से यहाँ तक मैं मैनेज करूँ, समझ गए। ये चीज़ हम लोग को दो, ये हमारा माइंड सेट हो तभी हम लोग कोई काम कर पाएंगे, नहीं तो हमारे पास ये चीज़ें करना मुश्किल है। तो पहले से प्री प्लानिंग हो मेरे पास, जैसे ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, सेफ डिलीट कर दिया पे, ठीक है, देख रहे हैं इन चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ मेरे पास यहाँ पे, तो ये प्रॉपर कनेक्टिविटी हो जाती है। क्या मल्टी कट किया, बिल्कुल यहाँ पे मैं ये तो मैंने काम किया दिस वन एंड दिस वन, अभी मैं कितने स्टेप यूज़ कर रहा पे, तो ये ऑप्शन पता होना चाहिए कि अगर आप काम करो तो आपको प्रोडक्शन के साथ कैसे डील करना है, ठीक है, गेमिंग के साथ कैसे डील करना है, फिर आपको ये जो चीज़ों को दिखाना है, आप कम से कम सेगमेंट कैसे डिटेलिंग को दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इवन मुझे लगे यहाँ पे देना हो तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकता हूँ, भाई मुझे इधर से इधर देना, तो मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ। देखो हमने इतनी मेहनत की यहाँ पे है, यहाँ पे अभी यही पॉलीगन मुझे यहाँ पे यूटिलाइज करना, तो मैं यहाँ पे भी यूटिलाइज कर सकता हूँ सेम चीज़। देखो अगर तो यहाँ पे मेरे पास ये काम आ जाएगा आराम से, लेकिन ये चीज़ है क्या, जैसे देखो सेफ में सीधा है तो सीधे में यह काम करेगा, अगर सीधा नहीं होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे मुझे फिर से अगर ऐसा करना पड़े तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। एक और टिप्स बताता हूँ, जैसे एक तो हमने यहाँ पे किया, ठीक है, अभी सोचो मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट आई वांट, यहाँ से मैंने समझना क्या, एक तो मैं सिंपल सा ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिखाया, मेरे पास ऐसा कुछ है, बस अभी यहाँ पे मेरे पास पूरी कनेक्टिविटी होगी ना, तो कनेक्टिविटी सर मैं आपको ये भी ऑप्शन में क्लियर करूँगा। तो चलो इसको थोड़ा सा होल्ड करके सेम ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट करने बाद ये चीज़ भी दूंगा कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। दूसरी जिस चीज़ें यहाँ पे हैं कि अगर मैं फोर प्रेस करता हूँ तो फोर प्रेस करने के साथ बोल्ट भी दिख रहा है, तो बोल्ट अगर मुझे बनाना पड़े, डेप्थ दिख रहा है, तो यहाँ पे डेप्थ कितना देना है, ठीक है, वर्टेक्स क्या मैंने जो डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, तो फेसिस देन यहाँ पर डब्ल्यू प्रेस कर दिए, इतना पार्ट में यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके साथ अगर मैं यहाँ पर काम करता हूँ सिर्फ टेन एक्सट्रूड, ठीक है, और प्रेस करते हैं यहाँ पे ऑफसेट में मैनुअली कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल सा पार्ट इसी का मैं इतना पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ सिर्फ टेन एक्सट्रूड। अभी ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये काम मेरे पास उसमें भी था, जैसे मैंने सब्सटेंस में अगर काम करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, ये पार्ट ऐसे मैनेज करके भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जो चीज़ों को मैंने मैनेज किया करने वाले पार्ट में देखना, मैं बेवल ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मुझे राउंडनेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे यहाँ पर। अगर मैं कर रहा हूँ अभी जैसे मैं अगर किसी और में करता तो मैं अगर मुझे स्मूथ करना होता है मैं 8 सेगमेंट लेता, 10 लेता, 12 लेता, 16 लेता, उससे मेरा काम हो जाता है कि यहाँ पर मैंने ज़्यादा लिया, तो यहाँ पर राउंडनेस मेरे को बहुत प्रॉपर दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो अभी फिलहाल मैं इसको तो हम लोग कवर अप करते हैं, यहाँ पर समझना है, देखो यहाँ पर चीज़ें मेरे पास कैसे जा रही हैं, बॉर्डर लाइन मेरे पास यहाँ पर क्या है, ठीक है। इनके साथ अगर मैं देखूँ ये पार्ट हमने यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा टच किया, इसके साथ मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी, अभी कुछ चीज़ों को मैं ऐसा कर ऐसे देखूँ, देखो ये जो पार्ट है मैं बस इस वाले पार्ट को भी अगर मैं पकड़ लूँ यहाँ से, एक चीज़ और भी मैं स्टार्टिंग से लेकर चलूँगा यहाँ पे, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस कर रखा यहाँ पे, डब्ल्यू डी एन वी एन मिडिल माउस बटन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ एडिट में, यहाँ से मैं सिंपल सा डुप्लीकेट स्पेशल कर लूँ तो मेरा काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं यहाँ पर दूँ मैं इसमें जैसे देखना यहाँ पे मिरर है, मिरर में अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या क्या अप्लाई कर दिया यहाँ पे, एक बार मेरे को ऐसे भी हो जाएगा, तो मैं पहले से अगर लेके चलूँगा तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, ताकि मुझे कॉन्सेप्ट फंडा पता चले यहाँ पे, जैसे अभी मुझे भी काम करना है तो मैं इसको भी मैं ऐसे लेके कर सकता हूँ, ठीक। तो फिलहाल मैं तो ये लेके चलते हैं, इसके साथ में अगर मैं काम करता हूँ तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, देखो मैंने यहाँ पे किया ना, तो ये पहले से लेके सेट कर दोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्या काम करना। अभी मुझे ये कम्प्लीट नहीं हुआ है, अभी कम्प्लीट करने के लिए फिर मुझे अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे पीछे भी डील करना पड़ेगा, ठीक है,
तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, जेड कर देते हैं, अंडू किया मैंने यहाँ पे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर हम लोग मिरर करेंगे यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं जो शेप हमने बनाने की कोशिश की, मैं इसको अलग अलग ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे बैलेंस करूँ मेरे पास थोड़ा सा काम आसान हो जाए। यहाँ पे देखो यहाँ पे दिस वन मेरे पास एक सेटअप बन गया है। सेटअप बन गया तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो ये पार्ट मुझे देखना है, तो इस वाले पार्ट को मैं सीधे एक्सक्लूड कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सीधे एक्सक्लूड किया ये पार्ट में, बस यहाँ पे देखना है। ओके, ये काम ऐसे कर सकता हूँ, इसके साथ मुझे ये जो पार्ट दिखा है इस वाले पार्ट को यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको मैं सीधे एक्सक्लूड कर सकता हूँ। मेक श्योर जैसे मैं इसको एक्सक्लूड किया वैसे इसको भी मैं कर सकता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे काम करना है। तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक शेप बना दिया यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सक्लूड यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दोनों पार्ट को अभी मैं मैनुअल डील करूँ तो मेरे ज़्यादा बेटर है, मैनुअल डील में क्या बेनिफिट मिला है यहाँ पे। यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैनेज करता तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आर फॉर स्केल, यहाँ पे क्या वर्टेक्स को सेलेक्ट कर दिया, आर फॉर स्केल। तो यहाँ पे पूरा एक सेटअप से देखिएगा आपको, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, मर्ज मर्ज वर्टेक्स, ये देखो जोड़ भी गया यहाँ पे, ठीक है, 4, 3, 4, 5, 6 ये देखो ये जुड़ गया यहाँ पे। अभी इसके अंदर मैं बीच वाला पार्ट को मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं समझ के काम कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे अगर मुझे यहाँ पे कहाँ पे क्या लेके जाना है। बस पहला पार्ट यहाँ पे क्या वर्टेक्स लिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे अभी हम लोग ये पार्ट लेके चलते हैं। पहले इसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर हम लोग उस वाले पार्ट को कवर करेंगे कि कैसे क्या काम करना है। तो पहला काम हमारे पास ये होगा कि हमें इसको कैसे कवर करें, ठीक है, क्योंकि वो इसके बाद का पार्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे मैं इसको करूँ, यहाँ देख रहे हैं एक पार्ट यहाँ पे, अभी इस वाले पार्ट के साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी देखो मेरे पास कोई कनेक्टिविटी आई कि नहीं आई यहाँ से यहाँ तक, देख रहे हैं बीच में ये पता चला नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जब यहाँ पे जब सेगमेंट वेब अधूरा रहेगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा चीज़ को मैनेज करूँगा। देख रहे हैं तो आर फॉर स्केल इसको मैं स्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है। अभी चाहते ना चाहते वो आपको बताएगा कि भाई मुझे यहाँ पे चाहिए वो ठीक करना है, यहाँ भी देखना और यहाँ पे भी देखना, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, मर्ज मर्ज टू सेंटर, ठीक है, अभी सेलेक्ट करके देखो दिस वन एंड दिस वन, अभी सही हुआ। तो अभी सिलेक्शन ने हमें बता दिया कि भाई हमारा काम क्या है, कैसा है, किस टाइप से हम काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये पहला काम है जिसको हम लोग यहाँ पे देखें समझे, पहले से प्लानिंग करके रखें, प्लानिंग नहीं होती तो हमारे पास चीज़ें यहाँ पे खराब हो जाती है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल सा पार्ट, अभी ये जो पार्ट मैंने किया आई नो वेरी वेल कि भाई इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको पकड़ो, ऊपर का जो लाइट वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको समझो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 4, 5 एंड 6 यहाँ पे देखना, 4, 5 में गए, यहाँ देखो ऊपर से जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे स्पैकुलर वाला आ रहा है, इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मुझे नीचे मैनेज करना है, कहाँ पे, इसको और यहाँ पे, इतने ही पार्ट को मैं मैनेज करूँगा, देखो ठीक है, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे जो साइनिंग वाला पार्ट दिख रहा है वो साइनिंग वाला पार्ट यहाँ पे है भी या नहीं, इवन यहाँ पे मैनेज किया तो मुझे ये जो साइनिंग वाला पार्ट दिख रहा है वो पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये जो मैंने टर्न किया ठीक है स्पैकुलर, तो यहाँ से मुझे क्या काम करना है, इसको इस वाले पार्ट के लिए मुझे थोड़ा सा वेल बैलेंस करना पड़ेगा, ध्यान से देखो यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया एक ब्लेन दिया, ठीक है, ब्लेन में साइनिंग आपको देखना स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये साइनिंग मुझे यहाँ पे भी चाहिए तो मैं इसके लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे देखो दो एजेस हैं, इमेज को जब तक समझोगे तब तक यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैंने इस वाले पार्ट को टर्न किया जिसकी वजह से मेरे को ये पार्ट विजुअल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इस वाले पार्ट को अगर मैं मैनेज करूँ, जैसे इस वाले पार्ट को तो मुझे यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट मैंने किया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। अभी मैं इसको अगर मैं मैनेज कर दूँ, तो मैंने मैनेज किया तो इसको मैं बेवल दे सकता हूँ, तो जो बेवल वाला पार्ट है उसको मैं पहले से लेके चलूँगा यहाँ पे, स्विफ्ट एंड बेवल, ठीक है, बेवल दिया मैंने यहाँ पे। तो बेवल देने के बाद मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, फ्रिक्शन यहाँ पे काम करेंगे यहाँ पे। अब ये आपको क्या करें, ये आपको थोड़ा सा लुक एंड फील देगा यहाँ पे, देख ना ये स्पेक्युलर आने लगा यहाँ पे, हाँ ये साइनिंग को मैं पकड़ने, ये साइनिंग वापस यहाँ पे आना है। अभी यही साइनिंग मुझे यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ देखो अभी यहाँ पे राउंडनेस है, राउंडनेस साथ में यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को अगर मैंने पकड़ के देखो यहाँ पे ऊपर देख रहे अभी ये जो पार्ट मुझे दिखा, ये जो मैंने टर्न दिया इसको भी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके मुझे बेवल ही देना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को पकड़ सकूँ यहाँ पे। जब तक ये बेवल नहीं होता तब तक वो बढ़िया नहीं आने वाला, ठीक है। देखना अगर मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने किया यहाँ पे, तो ये
सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस करना, जो सॉफ्ट वाले सॉफ्ट हो जाएंगे, हार्ड वाले हार्ड हो जाएंगे। दिख रहे अभी ये पार्ट में, बस ये तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे सॉफ्ट वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, सॉफ्टनेस जो मुझे यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए मुझे एक बार फिर से क्या टचअप देना पड़ेगा, यहाँ से मैंने पकड़ लिया इसको, ध्यान से देखना ठीक है, इस वाले पार्ट को पकड़ के मुझे मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन मैं पहले इसका कंप्लीट कर लूँ तो मेरे ज़्यादा बेटर हो जाएगा। कंप्लीट करने मतलब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ पे यहाँ ध्यान से देखो यही सेम काम। अगर मैंने यहाँ पे क्या, मेरे पास बॉर्डर क्या है, फ्लैट बॉर्डर, फ्लैट बॉर्डर समझिए फ्लैट है, ये फ्लैट है, तो इन वाले पार्ट को मुझे सीधे ही रखना है, तभी मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी यहाँ से अगर मैं कहूँ मुझे बेसिक शेप बनाना है, तो बेसिक शेप बनाने के लिए भी मैं काम कर सकता हूँ। जैसे सपोज ये देखो 1 2 3 ये इतना पार्ट में स्टर्न में आ गया, ठीक है, ये भी स्टर्न में आ रहा है। तो अभी इसको अगर मैं थोड़ा सा मैनेज कर दूँ यहाँ पे, मैं पार्ट देखना है अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ। देखो आप यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एडजस्ट सेलेक्ट कर लिया मैं यहाँ पे, ये पार्ट में यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। यहाँ देखो अभी यहाँ से मुझे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना स्टार्ट कर देना भाई, मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस करने वाला हूँ। जो टर्निंग वाला पार्ट है, टर्निंग वाला पार्ट मैं यहाँ पे ये देखना, टर्निंग वाला पार्ट यहाँ पे, ये टर्निंग वाले पार्ट के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको, मैं थोड़ा सा जो पार्ट देख ऊपर वाले पार्ट को इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, तो ये मैं इसके थ्रू काम हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर इसे समझोगे तभी आपको समझ में आने वाला है ये पार्ट। देखा यहाँ पे अभी मैं पे नीट एंड क्लीन मैस के पे भी काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको देखो यहाँ पे मैं सेफ काम यहाँ पे दिख रहा है, मैंने इसको यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। ये आपका अभी टर्न वाला पार्ट यहाँ पे देखेगा यहाँ पे ठीक है, ये पार्ट मैंने कर दिया। अभी इसको देखो मैं बीच वाले पार्ट पे भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ये कर दिया मैंने यहाँ पे ठीक है, देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ पे कर दिया। अभी इन्हीं पार्ट को पकड़ से यहाँ पे यहाँ पर अगर मैं ये यहाँ पे कर सकता हूँ, या फिर मैंने बीच में सेगमेंट देके काम करना, बीच में सेगमेंट देके काम कर दूंगा यहाँ पे, तो ये भी काम हो सकता है यहाँ पे ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो पार्ट है इंसर्ट एज लूप टूल, तो इंसर्ट एज लूप टूल से मैंने यहाँ पे दिया ठीक है, और यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। वर्टेक्स वही पकड़ना जो वर्टेक्स हमने डाउन किया, ठीक है, ये वर्टेक्स अगर आपको लगे कन्फ्यूजन हो इसको पकड़ लेना, काउंट कर लो यहाँ पे कितने 3 4 है ना, ये देखो 4 पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ठीक है, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, और चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ ठीक है। अब इनको मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट आपका ऐसा आ जाएगा ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जब चीज़ों को मैंने मैनेज किया, मेरे पास बेसिक से स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, मैं अगर चीज़ों को देखूँ मुझे यहाँ पे बेसिक वाले पार्ट को मुझे कवर कर देना है। बेसिक वाले पार्ट में कवर करने का मतलब क्या, देखो ये जो पार्ट में दिख रहा है, मैं बेसिक आउटलाइन के साथ थोड़ा सा डील करना चाहता हूँ। बेसिक आउटलाइन में क्या मिल रहा है मुझे, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एजेस को सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, डिसलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड आप यहाँ पे करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये शेप्स मुझे देना पड़ेगा। शेप देने के लिए अगर पहले से प्लान कर लूँ, देखो ये ग्रूविंग बोलते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है ये ग्रूविंग वाला पार्ट है ठीक है। ग्रूविंग के साथ मैं अगर डील करूँ तो मैं यहाँ पे ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखाऊँ, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये पार्ट मेरे पे डाउन है, तो मैं पहले सरफेस वाले पार्ट को बना देता हूँ। सरफेस वाले पार्ट पर जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक तरीका आपको दूसरा भी बताता हूँ, यहाँ देखना यहाँ पर देन सिंपल सा पार्ट अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सट्रूड कर दूँ यहाँ पे, देखना ये पार्ट मैंने एक्स्ट्रा एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट में ऐसे गए ठीक है। इनमें से मुझे सिर्फ उस वाले पार्ट को पकड़ के मैनेज कर देना जो मेरे को यहाँ पे स्पेक्युलर पार्ट को मुझे जो मैनेज करना है। तो जैसे मैं स्पेक्युलर पार्ट को मैंने 4 वर्टेक्स बोला था यहाँ पे, 4-5 वर्टेक्स यहाँ पे मुझे चीज़ को देखना, तो ये देखो यहाँ से जो तो चीज़ें मुझे लग रही है कि यहाँ पे तो मुझे बैलेंस करना चाहिए, इसको मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, मतलब ये पार्ट मुझे यहाँ पे मैनेज करना है। अभी यहाँ से अगर चीज़ों को मैं दिखाऊँ, मेरे पास जो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, तो मैं कैसे बैलेंस कर पाऊँगा। ये सिलेक्ट कर रखा यहाँ पे रोटेशन है, देखो रोटेशन दिख रहा है, भैया ऐसे रोटेशन दो ताकि आपका काम खराब ना हो, ये देखो ठीक है। ये पार्ट हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अभी देखो इतना पार्ट मैंने किया, अभी यहाँ पर आते हैं जैसे दुकान पे, एक मेथड ये भी है कि अगर आप यहाँ पे काम करते हो, स्विफ्ट इंसर्ट एज लूप टूल यहाँ पे दिया मैंने, इंसर्ट एज लूप टूल के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वर्टेक्स को मैं इसके अकॉर्डिंग डील करना स्टार्ट कर, जैसे देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, तो मेथड मैं एक दो कवर कर रहा हूँ आपको यहाँ पे ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देन इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये देखो ठीक है, यहाँ से ओके
ये जो पार्ट दिख रहे हैं अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे ये पार्ट मुझे डाउन तो करना है, डाउन करने के मुझे दो सेगमेंट में चाहिए। इंसर्ट एज लूप टूल पे गए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ से मैंने इसे मैनेज कर दिया। अभी एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर आपको लगे कि भाई मैं इसे डाउन कर रहा हूँ, ये भी पार्ट है, अदरवाइज आप इसे भी आप बुलिंग करना चाहते हो तो बुलिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख रहे ये जो पार्ट मुझे ऐसे कुछ करना पड़े तो मैं ऐसे भी करके मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं बुलिंग से भी एक टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ, ठीक है, करने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ तो आप अगर ऐसे भी कुछ करना पड़े तो मैं ऐसे भी करूँ तो थोड़ा बुलिंग का भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई अगर मुझे ऐसे कुछ काम करना है तो ऐसे भी। यहाँ पर देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखो, कितने पे चीज़ें कैसी, ये पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। आर फ्लो स्केल ये आप स्केल कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर लगे तो आप यहाँ पे आर फ्लो स्केल यहाँ पे मैं करूँ तो मेरे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेट कर दिया दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। डिफरेंसेस करें यहाँ पे तो डिफरेंसेस मेरे को यहाँ पे ये थोड़ा अलग दिखा गया। यहाँ पे हॉलो में भी ध्यान देना, क्या जैसे मैं बोलूँ हॉलो में ये कई बार हॉलो में चीज़ें बुलिंग बहुत तगड़ा काम नहीं करता, तो भी आपको ध्यान देना है कि इसको हिस्ट्री डिलीट करो, एडिट में गए डिलीट बाय हिस्ट्री, देन जी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन अभी ये देखा आपने डिफरेंसेस वर्किंग नॉट, इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है। इंटरसेक्ट ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी यूनियन में देखो, यूनियन में देखो यूनियन पे आ रहा है, जबकि यूनियन में दोनों एक साथ आते हैं तो कई बार अगर ऐसे भी मिले तो हम लोग ऐसे भी डील करते हैं क्या। अभी यहाँ पर अभी यहाँ से मगर चीज़ यहाँ पर कटिंग बहुत बढ़िया हो गया, तो चलो यहाँ पर आगे देखते हैं कैसे क्या काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टेक्स पे गए, ठीक है, दिस वन। अब ये पार्ट मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको कनेक्ट करना पड़े तो मैं मल्टी कट से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, देखा होगा। देन ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा बेस्ट हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करूँ, ठीक है। और मुझे अगर ऐसा लगे कि मुझे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दें यहाँ पे सेफ टेन एक्सटोर, ठीक है, आप सीधे यहाँ पे भी ले सकते हो। टॉप पे गए, फोर प्रेस कर दें यहाँ पे फोकस, ठीक है। यहाँ पे देखा वी एन स्नैप भी, यहाँ देखो फोर एंड फाइव यहाँ पे देखोगे। यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे मुझे एजेस दे देना है, सेफ स्ट्राइक लिख इंसर्ट एज लिफ्ट, इंसर्ट एज लिफ्ट लेकर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाकी काम कर रहे हैं यहाँ पर। अदरवाइज आप वन टू वन टू है ना, वन एंड टू ब्रिज बेसिक मॉडलिंग में आप यहाँ पर कर सकते हो, ब्रिज कर दें यहाँ पे। अभी ब्रिज मुझे यहाँ से यहाँ तक करना है तो एक साथ नहीं लेगा, तो मुझे एक एक करके काम करना पड़ेगा। स्विफ्ट एंड ब्रिज यहाँ हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर जी प्रेस कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट करके फिल होल कर सकते हो, स्विफ्ट एंड फिल होल, ठीक है। सेम हेयर यहाँ पे जी प्रेस कर दो। अब जैसे मैंने आपको बताइए जी प्रेस कर दिया तो मेरे पास ट्रायंगल तो चलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है, कि हम लोग गेमिंग पर्पस अगर जो भी कोई काम करते हैं तो चीज़ मेरे पास ऐसा आ जाता है, ओके। सेगमेंट भी हमें कम रखना हो तो रख सकते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा मैनेज कर देखो। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया था, अभी इसके यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे को सेम चीज़ दिखेंगे। ओके डू वन थिंग एंड देन ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने मैनेज कर दिया, ऐसे भी आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सेम हेयर यहाँ पे भी आपके पास चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे बस कितनी चीज़ें, यहाँ पे मैंने जो सेगमेंट जो ले रखा था उसको बस ले रखा था कि मैं कैसे क्या काम कर रहा हूँ, रिंग एन, ठीक है। तो ऐसे मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ, ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, इसको थोड़ा सा लेवल वाइज ऐसे, ठीक है। और देन इसको मैं अगर थोड़ा सा ऐसा लेवल दूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी चीज़ ऐसे दिखेंगे, आप ऐसे भी काम कर सकते हो। तो टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत है, इसके बाद मैं जो आपको बताया था वो ये पार्ट में ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये पार्ट मुझे ऐसे दिख रहा है एंड देन आप ऐसे भी काम कर सकते हो, तो ये मैं ग्रूविंग वाला पार्ट पे आ जाएगा। अभी इसके मैं छोटे छोटे पार्ट को मैं समझूँ भाई डिटेलिंग में क्या है, डिटेलिंग में क्या है, अगर मैं देखो यहाँ पे डिटेलिंग में उस चीज़ें क्या दिखते हैं, किस टाइप के काम है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे जो बेसिक सरफेस बना लूँगा तो मेरे लिए तो ऐसा ईजी हो जाएगा। बेसिक सरफेस बनाने का मतलब यहाँ पे अभी से हमने यहाँ पे काम किया, मेरा पार्ट इतना तक जा रहा है, अभी मैंने ऊपर वाला पार्ट कवर किया, ठीक है। स्पेस बार प्रेस करो, पहले देखो यहाँ से ये मैनेज कर रहे हैं, यहाँ से ये मैनेज किया, यहाँ से मैनेज किया, ठीक है। बेसिक अभी पार्ट को हम लोगों ने कवर कर दिया, मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा तो बस यहाँ पे काम हो जाएगा। एट द एंड अगर मुझे लगता है देखो ये जो सेप है इसी सेप से मुझे पीछे वाला पार्ट बनाया तो मैं पीछे वाले पार्ट को भी अलग से डील कर सकता हूँ कि, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे भी थोड़ा काम करूँ तो आपको दिखेगा भाई मुझे यहाँ पे तो सेप्स कहता है अगर मुझे काम करने हैं, देखो विजुअल है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे इतना काम करना है, ये पार्ट में यहाँ पे ये पार्ट में यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ,
तो सेफ पेपर्स इसके साथ मैच हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ प्ले करें। अभी देखो यहाँ पे हमने ऊपर का सरफेस बनाया, ऊपर के सरफेस में देखो ये पार्ट यहाँ तक है, मुझे भी इसको लगता है इसको और नीचे तक देना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं तो उसे सेगमेंट्स का जो पार्ट है फिलहाल में जो सेगमेंट्स का पार्ट दिख रहा है अभी इनको थोड़ा सा टचअप दें। यहाँ पे ये विजुअल है, अभी यहाँ पे नीट है तो मैं इनको मैं देखो देख रहे हैं ये पार्टमेंट्स यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर हमने चीज़ों को मैनेज किया। अभी देखो इन दोनों सेगमेंट के नीट है भी कि नहीं, सेलेक्ट किया शिफ्ट एंड डिलीट, इसको सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट एंड डिलीट, तो नीट नहीं है तो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। यहाँ लगे सेगमेंट्स को आपको डील करना तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे सेगमेंट्स को थोड़ा सा मैनेज करना है, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं देखें अभी सेगमेंट्स यहाँ पे जहाँ तक जा रहा है, ठीक है यहाँ तक मैं देखा मुझे इस सेगमेंट्स के बीच में मुझे आई थिंक ये जो पार्ट है ये कहाँ तक जा रहा है, रिंग एंड कोलैप्स काम कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये आप देखोगे यहाँ पे अभी जैसे मुझे यहाँ पे इसकी ही नीड है, जैसे यहाँ पर मैंने जो सेव बनाया इससे बस मर्ज टू सेंटर जिस पे गए मर्ज टू सेंटर काम करता हूँ। एजिस को जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा बेटर है, देखो बहुत सारे सेगमेंट स्टार्टिंग सेंटर बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँ, मुझे यहाँ पे क्या काम करना, रिंग एंड कोलैप्स जितना आप कम कर दो, इसकी नीड है, नीड होगी तो हम लोग रखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सेट कर दिया मर्ज टू सेंटर। ठीक है, यहाँ देखो ये एट द एंड मुझे लगता है कि जो रिंग जा रहा है, रिंग कहाँ तक जा रहा है देख रहे हैं, तो रिंग एंड कोलैप्स कर दूँ मेरे पास, ये भी काम है बस यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसे सेगमेंट्स को कम करना, क्योंकि सेगमेंट्स जितने कम होगा उतना आपको विजुअल सही होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे मुझे अगर नीड है तो मैं दूंगा, देखो यहाँ पे मेरे पास अगर नीड है तो मैं पास सेगमेंट रखूँगा। ठीक है, यहाँ देखना पे यहाँ पर मुझे सेगमेंट्स चाहिए तो मैं दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा सेगमेंट चाहिए तो मैं ऐड ऑन करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके साथ पहले मुझे ये एरिया भी कवर करना है। अभी जब ये एरिया कवर करना है, जैसे वन ऑब्जेक्ट मॉडल है, वन ऑब्जेक्ट मॉडल में सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ क्या होती है कि आपका आपकी प्लानिंग बड़ी सॉलिड होनी चाहिए। ठीक है, अगर ध्यान से देखो यहाँ तक ये सरफेस जा रहा है, यहाँ से अगर मेरे को वन टू यहाँ से देखना है कितने पार्ट को मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करके नीचे लेकर आना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे डील करूँ, जैसे यहाँ पर सिंपल सा पार्ट यहाँ तक मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अभी जैसे इसको भी अगर मैं देखूँ यहाँ पर देखना शेप्स हैं, तो इन शेप्स को मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ यहीं पे देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे मगर मैनेज कर दो, मुझे वी एक्सट्रूड करना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर देंगे स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे वर्टेक्स पे गए, इसको मैंने सेट कर दिया, तो ये पार्ट में बस यहाँ पर आने वाला है, इसका ये पार्ट में बस यहाँ पर आने वाला है, तो ये वन ऑब्जेक्ट मॉडल हो गया। तो पहला बेसिक स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये पार्ट में यहाँ से मैच है। ठीक है, जो चीज़ में मैच है उसको टच करने की जरूरत नहीं है। नहीं देखो तो सेफ आपको दिखेगा यहाँ पे, मेनली काफ़ी लोग जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं वो इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई यहाँ से मैं वन ऑब्जेक्ट मॉडल बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे। अभी देखो यहाँ से ये पार्ट हुआ दिस वन छोटे छोटे पार्ट को लेकर चलता है, मैं अभी मेजर डिटेल पर नहीं जाता है, यहाँ तक का मेरा पार्ट है तो मुझे इसको तो एक्सक्लूड करना ही करना है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पर उस चीज़ों को मैनेज करना है तो मैं इससे मैनेज करूँ, देखो तो ये पार्ट मैंने यहाँ तक लिया। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक पार्ट यहाँ पर ले सकता हूँ, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं ट्विस्ट कर सकता हूँ, ये सेफ दिख रहा है मुझे। अभी जब ये पार्ट मैं यहाँ तक मैं कर दूंगा, बुलीन कर दूंगा, तो मैं बाकी पार्ट को मैं कर सकता हूँ। फिलहाल में मैंने ये पार्ट कर दिया। ठीक है, इसको इतने बुलीन करने के लिए मुझे ये बेसिक स्ट्रक्चर तो चाहिए था। ठीक है, तो अभी ये काम करते हैं, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे देखो ये पार्ट मैंने ऐसा ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक समझ ना देखे ना, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे देखा है। ठीक है, इसके साथ मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस वन स्विफ्ट एंड एक्सट्रूड। ठीक है, देन स्विफ्ट एंड एक्सट्रूड। ठीक है, ध्यान यहाँ पे नीड है, तो सीधे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ तक मैं अगर शेप्स को दूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ें दिख रही यहाँ पे, देन यहाँ तक मैंने ऐड ऑन कर दिया। अभी स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट कर दूँ, स्ट्रक्चर देने का मतलब क्या, जैसे यहाँ देखो अगर मैंने यहाँ पर मैनेज किया तो वॉट आई वॉन्ट, यहाँ से मैंने इसे सेट कर दिया यहाँ पे, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ। ठीक है, यहाँ पे देखना यहाँ पे अभी इस टाइप की चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे सेम कट कर दूँ यहाँ पे तो भी मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, देखना यहाँ पे अभी यहाँ से मैंने क्या किया, मल्टी कट कर दिया, तो मल्टी कट से मैं वॉट आई वॉन्ट देखना यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, एंटर टू फेसेस, देन यहाँ से डिलीट एंड बुलिंग, जो भी आपको लगे कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हैं। शेप में बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैनेज किया, देखो यहाँ से चीज़ों को जब ऐसे मैनेज करूँ तो मुझे एक सेकंड यहाँ पे भी नहीं चाहिए ना, ठीक है। एक काम ये भी कर सकता हूँ, अगर मुझे नीड है तो रिंग एंड इंस्पेक्ट ये थोड़ा सा ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा, इंसर्ट एज लुक टू लेते हैं ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे अगर ऑल्फो स्केल कर दूँ तो मेरे ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ तक मैंने सेट कर दिया, तभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फेसेस को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, इतना बार डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से मैं फिर से शेप्स को मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ। मॉडिफाई करने का मतलब क्या, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, मैंने मल्टी कट किया, इंसर्ट एज लुक टूल किया, जो भी मैं यहाँ पे काम करूँगा यहाँ पे देखा ना, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक, अभी यहाँ से यहाँ तक मैंने काम किया ठीक है। ये बीच वाले पार्ट पे काम होगा कि नहीं होगा तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ क्या, ठीक है। यहाँ से मैंने यहाँ तक यहाँ पे ऊपर तक ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे एक सेगमेंट की नीड होगी ठीक है। यहाँ देखा यहाँ पे देखा यहाँ पे तो एंटर करते हैं, अब यहाँ पे सेगमेंट की नीड होगी तो यहाँ पे मैं क्या है तो सेगमेंट दूँ तो मैं ले लीजिए, तो मैं अंडू करके यहाँ पे देखा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस करके सेगमेंट देते हो आप यहाँ पे ठीक है। अभी यहाँ पे आपने क्लिक किया शिफ्ट एंड क्लिक ठीक है, शिफ्ट करोगे तो बहुत बढ़िया नहीं दिखेगा यहाँ पे, एंटर करता हूँ। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं ले भी रहा हूँ तो मुझे यहाँ से ऊपर भी लेना पड़ जाएगा कनेक्टिविटी में, अगर मुझे नीड है ठीक है। लेकिन अभी तो यहाँ पर मैं सेगमेंट की नीड आने वाली है तो मैं इसको कनेक्टिविटी साथ दे देता हूँ, तो फिर मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर दूँगा ताकि बीच में मैं कनेक्टिविटी ब्रेक ना करूँ ठीक है। अभी यहाँ का जो पार्ट मैं देखूँ यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पार्ट आ गया मेरे पास यहाँ पे ठीक है। यहाँ से एक बेसिक शेप भी नज़र आ रहा है, अभी बेसिक शेप में मैं यहाँ पे ग्रूविंग वाला पार्ट भी कर सकता हूँ, ग्रूविंग अगर मुझे करना पड़े तो कर सकते हैं कि भाई मुझे अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करें तो, जैसे देखा यहाँ पे इंसर्ट एज लुक टूल, अभी यहाँ देखो यहाँ पे नीड है ठीक है, यहाँ पे नीड है तो मैं यहाँ पे इसको फिर से, ये छोटी छोटी शेप्स अगर आप देखो तो ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जाएंगे यहाँ पे ठीक है। ये शेप दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी कुछ शेप्स नज़र आ रहे हैं ठीक है। इन शेप्स के अंदर अगर मैं देखूँगा यहाँ पर बस कॉम्प्लेक्स शेप्स कैसे बनाने, यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट ऐसे दिख रहा है ठीक है। तो इसके लिए भी मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, सेगमेंट देना पड़ेगा, अभी इतनी सेगमेंट मुझे ऊपर चाहिए तो मैं इसके लिए पहले इतने पार्ट को मैं मैनेज करता हूँ तो मेरा काम यहाँ पर आसान हो जाएगा। देखो अभी मैंने जहाँ पे मैंने मैनेज किया ठीक है, ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज किया, ये मेरे पास एक सेगमेंट इसके लिए भी अगर मुझे इधर चाहिए जिसके ऊपर कनेक्टिविटी है कि नहीं, यहाँ देखो यहाँ से देखो इसको मैं बाहर खींचता हूँ ठीक है। ये यहाँ पर क्यों पता कि कनेक्टिविटी है कि नहीं, क्योंकि मुझे एक पॉइंट यहाँ से इसको देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इसको जोड़ने के लिए एक पॉइंट यहाँ पर चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने मल्टी कट किया, मल्टी कट से मैंने इसको ये पार्ट और इसको मैंने ये पार्ट पकड़ा रखा है देखें, सपोज मैंने कैसे पार्ट पकड़ा दिया यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे ऐसे पार्ट पकड़ा दूँ तो मैं इसको जोड़ सकता हूँ, तो इन दोनों को जोड़ूँगा तभी ये ऐसे काम होगा। यहाँ पे यहाँ सेट किया मैंने, तो ये टोपोलॉजी का पार्ट यहाँ से मैच हो जाएगा, अगर मैं मैनेज कर दूँ तो मैं उसे पार्ट यहाँ देखेगा यहाँ पे ठीक है। बेसिक शेप्स को थोड़ा देखें, सेगमेंट्स थोड़ा सा कम किया मैंने अभी, अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को लगता है कि मैं थोड़ा सा काम करूँ तो मैं कर सकता हूँ ठीक है, वन वन करके मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो और सा शेप्स मैं यहाँ पे भी देता हूँ, जैसे मुझे अगर यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, अभी यहाँ से अगर मेरे को बेसिक शेप क्या है तो मुझे एक फिर से मॉडल करना पड़ेगा, या तो आप अंदर मॉडल करो या बाहर मॉडल करो, तो आई सजेस्ट बाहर करोगे तो ज़्यादा बेटर है ठीक है। देखो देखना यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देखिए हाइट कर देता हूँ एच फॉर हाइट। यहाँ देखो यहाँ पर मैं जो काम करने जा रहा हूँ यहाँ पर क्या मेरे लिए ईजी है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया वर्टेक्स यहाँ तक पहुँच गया ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं यहाँ तक पहुँच गया, सीधे सीधे पार्ट है यहाँ पे ठीक है। यहाँ से मैंने फेसेस सेलेक्ट कर दिया, फेसेस डी सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ठीक है, यहाँ से एक्सट्रूड किया मैंने इसको, वर्टेक्स को मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पर ठीक है, फिर से फेसेस सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पर, डी सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं बेसिक शेप में, मेरे पास बेसिक शेप यहाँ पर आ गया, बेसिक शेप बेसिक स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो इन चीज़ों को मैं अगर बैलेंस कर दूँ यहाँ पे कि भाई ये पार्ट में ऐसे कॉर्नर में जा रहे हैं, तो अगर मैं इनको मैं मैनेज कर दूँ भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट एज लुक टूल यहाँ पे मैंने एक सेट कर दिया यहाँ पे, देन वर्टेक्स को मैंने यहाँ पे ऑल्फो स्केल कर दिया, तो मेरे पास ये काम हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे इंसर्ट एज लुक टूल, तो ये ईजी बन गया यहाँ पे। तो मैं काम को कैसे ईजी बना सके वो हमें आना चाहिए, ऑल्फो स्केल यहाँ पर ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ तक मैंने मैनेज कर दिया। तो अगर देखो और एक बेसिक शेप हमने रख दिया है कि मैं बस एक बेसिक शेप जो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये पार्ट में ऐसे करूँगा, थोड़ा सा मॉडल आपको पर्सपेक्टिव दो समझना कि देखो इसको बनाने में टाइम भी नहीं लगा मुझे,
कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे फिर से आपको बता दूँ हॉलो है तो फिर आपको एक बार डिस्टर्ब कर सकते हैं आप यहाँ पर। देखो अभी अभी कई जगह ऐसा होता है अगर आप सब्सटेंस में लेके नहीं जाते तो ये बट ऊपर से लगा के भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, एक आपको टिप्स बताऊँगा, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे और एट देन मैं आपको एक बार इसको भी बताऊँगा कि भाई कैसे क्या काम करते हैं। इसको मैं क्लियर में डाल देता हूँ। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे देखो ये हॉलो है। मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है कि आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे। ठीक है, इतना पार्ट तो मुझे चाहिए। इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, डिफ्रेंसिस पे जाते हैं, डिफ्रेंसिस में काम करेगा, कर रहा है। अब देखो ये मैं सेप बहुत आसानी से बन गया यहाँ पे। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एच बुलिन आपको तरीका पता होना चाहिए, नहीं तो आप फिर फंस जाओगे यहाँ पे टाइपिंग में। देखा यहाँ पे, तो यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं बहुत बढ़िया दिखा है। ये चीज़ मैं बनाता तो टाइम ज़्यादा लगता, अभी मैं बस बाकी चीज़ को मैं मैनेज कर दूँगा। यहाँ पे सेफ मुझे जैसे चाहिए मुझे यहाँ पे मिल गया, बाकी मैं इसकी कनेक्टिविटी को मैनेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पर मैंने जो टच किया देखो ऐसे दिख रहा है, एजेस में अप एंड डाउन जा रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल चिपक के एजेस जा रहा है। ठीक है, उसके नीचे एक एजेस में बस यहाँ पे, तो मुझे इन चीज़ को पहले से फुल एंड फाइनल कर लेना है। मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम करने वाला तो कैसे करूँ यहाँ पे। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टी कट किया, मल्टी कट में यहाँ पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ से दे दिया। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से दे दिया, मेक श्योर देखो यहाँ देखें यहाँ पे, ये पार्ट मैं यहाँ पे दूँगा। तो यहाँ पर उन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने किया तो यहाँ पे एजेस को पकड़ो, यहाँ पे करने के बाद करना क्या। ठीक है, पहले यहाँ कनेक्टिविटी दे दूँ, मल्टी कट, ये मल्टी कट मैं यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ दिया। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर, देन ये एजेस है ना यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दिया ये। ठीक है ना, यहाँ बुलिंग में तो होता जाना है, बुलिंग इजी है लेकिन ढंग से नहीं करोगे तो फर्स्ट भी जाओगे। मर्ज वर्टेक्स, ठीक है, 4-5। अब देखो यहाँ से अगर मैंने एस एज को पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ को मैं मैनेज कर दूँ, डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये देखो बुझल है, ये कैप बना देने का, ये तो फंस जाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके बगल में एक सेगमेंट नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ पे हल्का सा डिस्टेंस बना दो ताकि पता चले कि भाई मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी कहाँ करनी है। मल्टी कट पे गए, मल्टी कट पे जाकर ये पार्ट मैंने यहाँ से इधर, ये पार्ट मैंने यहाँ से इधर कर दूँ तो मेरा काम हो जाना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। ठीक है, ट्राइंगल एंड कॉट, ये आपका काम कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से पार्ट बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पर मुझे शेप्स को थोड़ा सा मुझे जो मॉडिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ये मैं यहाँ से यहाँ तक कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं, देखो यहाँ से देख रहे हैं, ये मैंने बुलिंग किया तो मुझे यहाँ से लग रहा है यहाँ तक मैं अगर मैं मैनेज करता हूँ तो बस यहाँ पर कर सकते हैं एंटर डन वर्टेक्स। ठीक है, वी एन स्नैप मॉड वर्टेक्स। ठीक है, नहीं देखो अनवांटेड वर्टेक्स हो उसको हटाना है। देखो ये देखना, इसको मैं सेलेक्ट कर दिया डब्ल्यू एंड वी एन स्नैप, तो बुलिन का दिया आपका थोड़ा सा काम बचेगा क्या। मर्ज मेटो सेंटर 4 एंड 5। देखो आप अभी यहाँ पर अनवांटेड चीज़ यहाँ पर देखेंगे जो भी मुझे लगता है सेगमेंट की कनेक्टिविटी, ये हमें देना पड़ेगा। सेगमेंट की कनेक्टिविटी नहीं दी तो फंस जाएंगे, तो मेक श्योर ये सेगमेंट की जो कनेक्टिविटी है वो आप थोड़ा सा बैलेंस करते हो। कनेक्टिविटी हम लोग कहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। ठीक है, अगर मुझे कनेक्टिविटी से डील करना है तो मैं अगर यहाँ पर करूँ तो या तो मैं देखो इतने से मेरा काम हो जाना है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, इसके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको भी मुझे डिवेल करना पड़ेगा। तो मैं पहले चलता हूँ राइट व्यू में चलता हूँ, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिलेंड्रिकल पार्ट कुछ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर पहले सिलेंडर लगा लेना ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए भाई सिलेंडर में मेरे पे सेफ्स कैसा है। और रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने कर दिया 90। ठीक है, रेडियस को कम कर दो, कम रेडियस पे, रेडियस को मैंने कर दिया कम। ठीक है, देख रहे हैं अभी ये रेडियस को मैं अगर थोड़ा सा और कम करूँ तो मेरे को और आइडिया भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देखो बेसिक का भी मैं लगा देता हूँ ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाएगा भाई मेरे सेफ है तो मैं चूहे को मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ। इससे एक चीज़ और आपको पता चल जाएगा, प्रोस्पेक्टिव में क्या 4 एंड 5। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक रखना है, अभी आपको आधा दिख रहा है तो आधे से भी काम चलेगा, जरूरी नहीं पूरा सिलेंड्रिकल ही पूरा पार्ट है, ज़्यादा इतना दिख रहा है तो आप इतना तो रख ही सकते हो ताकि आपको गैप का अंदाज़ा मिल जाए।
ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ पे सेट कर दिया, अभी इसको हम लोग सिलेंडर वाला पार्ट को ऊपर सेट कर देंगे, तो इतना मुझे लेके तो चलना ही है। बाकी जो मेरा पूरा पार्ट है, इस पार्ट के लिए मैं पे क्या कर सकता हूँ, मेक श्योर इन चीज़ों को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा, तो मैं मैनेज करूँगा। ठीक है, इस पेज पर मैं गया, अब इसको थोड़ा सा मैनेज जल्दी से कर देते हैं। ये डबल क्लिक कर देंगे, एज इज मेरे पास डबल कनेक्टेड नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मल्टी कट ना, अभी ये तो करते हैं, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे, इसलिए सेगमेंट्स के लिए मैंने बोला था, सेगमेंट्स से मुझे यहाँ पे लग रहा है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा लेके चलूँगा। यहाँ पे एक चीज़ और भी, अगर ऐसा लगे जैसे मैं देखो, यहाँ पे मैं एक और तरीका भी बताता हूँ, फेसेस में अगर इसको करते हैं डिलीट, समझ ना, ईजी। तो ठीक है, यहाँ से लग करते स्विफ्ट एक्सट्रूड कर दिया, वी एन स्नैप कर दिया, यहाँ पे देखो वी से स्नैप यहाँ से यहाँ तक करना है, तो ये पार्ट आप यहाँ से ओके यहाँ पे आ जाओ, वी एन स्नैप यहाँ तक, मैं ऐसे भी मैनेज करना चाहता हूँ, एक साथ में ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, देख रहे वी एन स्नैप। ठीक है, डब्ल्यू डी एन वी यहाँ पे मैं सेट कर दिया, यहाँ पे देन वी एन स्नैप यहाँ पे, तो ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा तो मैनेज हो जाएगा एक ही बार में, इतने सारे मुझे कनेक्टिविटी नहीं देनी पड़ेगी। और देन यहाँ पे मैं चीज़ों को देखो, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया वी एन स्नैप, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। ठीक है, अभी यही जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को आप सीधे भी एक्सट्रूड कर सकते हो, जैसे हमने एग्जैक्ट हमें चाहिए था तो हमने एग्जैक्ट हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इतनी कनेक्टिविटी लोगे फिर आपके लिए दिक्कत होगी, तो इससे बेटर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये देखो ये एक साथ भी हम लोग कर सकते थे जो मैंने किया, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से अलग सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, स्विफ्ट एन एक्सट्रूड, और देन यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू डी एन वी एंड वी एन स्नैप, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, वी एन स्नैप ये आपको यहाँ पे करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे देखो, मैं कनेक्टिविटी नहीं दी, कनेक्टिविटी दोगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर आप करना चाहो तो ऐसे भी काम कर सकते हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, और यहाँ पर कनेक्टिविटी जो होगी होगी होगी, यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पर जो वर्टेक्स यहाँ पर मर्ज मर्ज टू सेंटर कर दो आप यहाँ पर, एंड देन आप यहाँ से दिस वन यहाँ से लगे यहाँ तक आपने एजेस को सेलेक्ट करके, तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा आपके यहाँ पे। तो देन स्विफ्ट एंड एक्सट्रूड एक्सट्रूड कर दिया हमने यहाँ पे, और किसी भी कॉर्नर पॉइंट को पकड़ लो, डब्ल्यू देखिए तो थोड़ा सा टिल्टेड ही आता है यहाँ पे, ठीक है ना भाई, जो सीधे मैंने एक्सट्रूड किया तो मैं टिल्टेड जा रहा है, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं निकल रहा है हमें। ठीक है, तो डब्ल्यू प्रेस कर दो, डी एन वी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, एंड देन वी एन स्नैप भी आप यहाँ पे करो तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो जो आपकी कनेक्टिविटी थी ना, वो कनेक्टिव देखो, जहाँ तक आपके कनेक्टेड वो आपके यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे वर्टेक्स पे गए लाइक दिस वन वी एन स्नैप, ठीक है, और देन यहाँ तक अगर देखो तो यहाँ से यहाँ तक मर्ज मर्ज वर्टेक्स, ठीक है, थ्री प्लस का देखो ये जोड़ के यहाँ पे, जो जोड़ा नहीं वो अलग से दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेंगे भाई, यहाँ पे मर्ज ये जोड़े कि नहीं जोड़े। ठीक है, फोर एंड फाइव, अगर मैं कनेक्टिविटी के बारे में बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि वही जी प्रेस कर दिया पे, जिसकी नीड है उसको रखेंगे, बाद में मैं उनके सेगमेंट को भी क्लीन कर दूँगा। ठीक है, फोर एंड फाइव यहाँ से कर सकते हैं अभी, और देन यहाँ देखो कुछ सेगमेंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो मैंने अभी फिलहाल में तो यहाँ देखो, यहाँ की कनेक्टिविटी तो बहुत बढ़िया होगी, देख रहे हैं यहाँ से पूरी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया होगी। यहाँ पर जो देखें, यहाँ पर जो मुझे मैनेज करना, मैं मैनेज करूँगा यहाँ का पार्ट, मुझे यहाँ पे जो सेगमेंट्स मेरे पास दिख रहे हैं उन सेगमेंट्स को मैं ऐसे लेके चलूँगा भाई, यहाँ पर बस कुछ सेगमेंट्स सही है। देखो यहाँ पे देखा है इंसर्ट एज लुक टूल, तो यहाँ पे मैंने एक इंसर्ट एज लुक टूल यहाँ पे दिया। ठीक है, यहाँ पे नीड है तो वहाँ पे हम लोग सेगमेंट देंगे, बाद में मैं इसको अलाइन और ऑल द थिंग वो सब सेट कर दूंगा यहाँ पे, कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे देखा। अभी सेम चीज़ यहाँ से मैंने किया ना, तो अभी मैं या तो मैं मल्टी कट करके ऐसे कर लूँ। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, यहाँ से मैंने सेट किया यहाँ पे। ठीक है, इस वन दिस वन, ठीक है, देन ये भी एक ऑप्शन आपको मैंने बताया। ठीक है, ये भी पूरा पार्ट है, देन यहाँ पे देखो इसकी नीड है, सेगमेंट की अगर नीड है तो मैं इस सेगमेंट को ये जिसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, वर्टेक्स को यहाँ पे देखो सिर्फ डिलीट किया तो वर्टेक्स नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, इसको मैं नीचे की तरफ ट्रेवल करवा दूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो मल्टी कट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो ये काम कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग, एंटर करो वहाँ पर वर्टेक्स आया कि नहीं, भी क्रॉस करना पे। ठीक है, मैं एक बार यहाँ से करता हूँ मल्टी कट दिस वन, ठीक है,
ये पार्ट मैंने कर दिया यहाँ पे, देन ये पार्ट मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, फोर प्रेस करते हैं देखो, ठीक है, फोर एंड फाइव यहाँ पे अब मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, तो धीमे धीमे आपको कनेक्टिविटी दे दे तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिर छोटे छोटे पार्ट्स को आप पकड़ोगे तो आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा टिप्स आपको पता है, यहाँ पर मैं ऊपर से करूँ तो मुझे यहाँ पर नहीं मिला, बैक स्पेस कर दूँगा हट जाएगा वहाँ पर, तो मुझे नीचे से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कर लूँ, यहाँ पर मैं तो सब चीज़ों में मैनेज कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे नीट है वहाँ पर मैं रखूँगा, यहाँ पे नीट नहीं है वहाँ पर मैं हटा दूँगा। पे अभी जैसे मैं फिलहाल मैं जस्ट कनेक्टिविटी बना देता हूँ, तो कनेक्टिविटी बन जाए तो मेरे बस काम आसान हो जाए। बाद में मुझे यहाँ पे लगता है सेगमेंट्स मेरे को ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं ऐसे ट्रायंगल करके भी मैं मैनेज कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं ठीक है वर्टेक्स पे गए, यहाँ से मर्ज मर्ज टू वर्टेक्स सेंटर फोर प्रेस करके देख लेना, कभी गलती से पीछे कोई वर्टेक्स ना सेलेक्ट हो जाए, देन आप देखोगे यहाँ पे तो आपका काम हो जाएगा फिर। ठीक है, फोर एंड फाइव अभी देखोगे तो मेरे से एक बेसिक सा सर्फेस मैंने यहाँ पे दिया, भाई कैसे हम लोग वन ऑब्जेक्ट मॉडल ऐसे बना सकते हैं और किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। सेल्फ स्ट्राइकिंग सॉफ्ट एंड हार्ड ये आप करोगे तो आपको यूजल होगा। ठीक है,